हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के दो वीडियो में हमने बात की थी कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं या जो कंपनी क्रिएट की है उसमें ऑल्टर या डिलीट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा यूजर इंटरफेस बताऊंगा कि ये जो आप जब विंडो ओपन होती है टेली की तो उसमें क्या कहाँ होता है, वो किस तरीके से यूज होता है। तो अगर आप एक बिगनर हैं या आप टेली में काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं इसको चार पार्ट में बांटता हूं। एक आपका अपर पार्ट हो गया, एक आपका ये राइट हैंड साइड का पोर्शन हो गया, एक ये आपका मेन एरिया हो गया और ये आपका लोअर बार हो गया। तो इन चारों को हम डिटेल में समझेंगे और समझेंगे किस तरीके से काम आएंगे। तो दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर अपर स्ट्रिप होती है इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर है जिसमें आपको प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बटन बार। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टली है इसलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टली बटन बार। अब दोस्तों, ये कब काम आता है? सपोज कर लीजिए आपने परचेज या सेल की एंट्री की, आपको इनवॉइस प्रिंट करना है, तो आप यहाँ प्रिंट से ऑप्शन, अभी ये ओपन नहीं है क्योंकि अभी मैं कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं किया है। या आपको दोस्तों जो भी आपने इसमें आप कह लीजिए एक तरीके से डिटेल्स बन के आएंगे आपके पास, जैसे आपने GSTR की एंट्री की है तो GSTR 1 आपके पास आई है या GSTR 3 आई है, जो टैक्स की आपकी पूरी रिटर्न होती है उनको आप एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या जो आपका डाटा है, लेजर का डाटा है, आपका इन्वेंट्रीज का डाटा है, उनको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यही इन्फॉर्मेशन ईमेल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई वाउचर इसमें अपलोड हो जाए, कोई बना हुआ वाउचर है वो टैली में अपलोड हो जाए, तो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी देती है, आप उनको शॉप कर सकते हैं टैली शॉप से। कीबोर्ड की सेटिंग करनी है, लैंग्वेज की सेटिंग करनी है, वो सारे ही ऑप्शन होंगे। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प में जाके उन डिटेल को ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बटन बार है, आई होप आपको समझ में आ गया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब दोस्तों, ये आपका मेन एरिया है और मेन एरिया दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पे ये होता है लेफ्ट पार्ट और ये होता है राइट पार्ट, और ये दोस्तों गेटवे ऑफ टैली का मेन एरिया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेफ्ट है ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कौन कौन सी कंपनीज बनी हुई हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। फिलहाल यहाँ पे मेरे पे दो कंपनी बनी हुई है, गणेश एंड कंपनी, गोयल एंड कंपनी, दोनों की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और जो एक्टिव है वो है गणेश एंड कंपनी। ये कब से कब तक की है दोस्तों? तो फाइनेंशियल ईयर बताया हुआ है इसने यहाँ कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है, और करंट डेट भी बता रखी है। तो आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड एरिया में आपको ये तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। अब दोस्तों, जो राइट हैंड आपका एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आप वाउचर एंट्रीज करेंगे, आप ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, आप स्टॉक की एंट्री करेंगे, आपको रिपोर्ट्स देखनी होंगी, वो सारी चीज़ें ही यहाँ पे मिलेंगी आपको ऑप्शंस में। और दोस्तों, इसके अलावा आप थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये आपका होता है फंक्शन बार। इसमें दोस्तों फंक्शन दिए होते हैं, जब भी आपको कुछ चेंज करना है, उस आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है तो वो यहीं से होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेंज भी होते रहते हैं दोस्तों। जैसे मुझे कंपनी डिलीट करनी है तो उसके लिए मुझे इस इन्फॉर्मेशन पे जाना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन, और ऑल्टर पे जाके मैं डिलीट करूंगा। तो आप देख रहे होंगे, मैं दोबारा से एस्केप होके बैक पे आता हूँ। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं कोई वाउचर की एंट्री करूंगा, मैं अगर बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन है उसको नोट डाउन करूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ नए ऑप्शन ओपन हो गए, राइट। तो इसमें रिकॉर्ड आप जनरल परचेज की करेंगे, सेल की करेंगे, जो भी ऑप्शंस हैं, डेट आप कौन सी डेट रखना चाहते हैं, तो वो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे आपके मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका ये फंक्शन बार है, इसमें आपको फंक्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। अब दोस्तों, जो फोर्थ एरिया है वो आपका ये लोअर स्ट्रिप है, इसको आप बोल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन पैनल है। इन्फॉर्मेशन पैनल यानी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये टेली सॉफ्टवेयर tele.erp.9 है, हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन है 6.6.3, साथ ही साथ एजुकेशन मोड में है ये, मैं लाइसेंस वाला नहीं ले रखा है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन को। और ये आपका है दोस्तों लास्ट कैलकुलेटर, यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल एन लिखा हुआ है, जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ ये आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ 50 × 5 तो ये आपका 250 आ गया। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। वापस आपको बैक आना है तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल एम प्रेस करके आप वापस आ जाएंगे दोस्तों। और ये जो आपका दोस्तों लास्ट है, आप ये टास्क बार कह सकते हैं इसको, तो ये आपको टास्क बताता है जो भी आप टास्क करेंगे। जैसे दोबारा से मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये आ गया टैली मेन, गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट। तो जहां जहां आप आते जाएंगे
और जहां जहां आपका पाथ मूव करता रहेगा ये आपको बताता रहेगा। और दोस्तों ये कंपनी का नाम है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आज की डेट है और आज का टाइम है। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी यूजर इंटरफेस की, कि आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है अगर तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बटन बार है आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो आप गेटवे ऑफ टेली के राइट हैंड पार्ट में करेंगे। इसमें आपको चेंजेस करने तो फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ आपको लेफ्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपको, और नीचे आपका कैलकुलेटर अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन पैनल बताता है कि कौन कौन से आपका सॉफ्टवेयर का अपडेट आने वाला है या किस मोड में आप काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी यूजर इंटरफेस की। अब आगे इस यूजर इंटरफेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा आप कैसे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करेंगे, बैलेंस शीट कैसे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर आप किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो हम इनके काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग के वीडियोज हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि कंपनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कैसे करनी है, यूजर इंटरफेस क्या है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकअप या रिस्टोर कैसे लेते हैं अपनी कंपनी का, जिससे फ्यूचर के लिए आपका सारा डाटा आपका सेव रहे। तो वो सब हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, बेसिक आपको जानकारी मिली होगी। अभी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज एंड नोटिफिकेशन उनके ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।